हकीम फहीम सन्यासी हमारे उस प्यारे उस्ताद मोहतरम साहब, सर ये गंधक का तेल है, ये मैंने सोडा कास्ट के फिटकरी और बोरक एसिड के साथ बनाया है, ये वो चीज़ है सर। अच्छा, और ये चीज़ सर आपने कहा था ये सजी खार और चूल्हा के साथ, सर ये जो सात बार आपने कहा था ये वो चीज़ है सर, ये चीज़ मैंने बनाया है, ये वो गंधक का तेल है सर। और ये गंधक का तेल है सर, इसमें सोडा कास्टिक फिटकरी बोरक एसिड और टाटरी, ये टाटरी सर इसमें बहुत बड़ा काम करता है, इसमें मैंने टाटरी का खुद इजाफा किया, टाटरी ज़बरदस्त काम करता है, ये मैंने काम किया सर, ये गंधक का तेल है। और ये सर समंदर जग का नौशद का तेल है, समंदर जग वाला, इसमें मैंने कुष्ठ फौलाद और तांबे का जो तेजा पे फारूक से पाउडर बनाया जाता है 25-25 ग्राम मैंने डालकर इसको 2 माह ज़मीन में दफन किया, ज़मीन में दफन करके निकाला, ये नौशद का तेल है समंदर जाग वाला, ये सर मैंने इसमें डाल दिया था। ये सर पारा है इसको जो है ना मैंने 36 घंटा नौशद के तेल में बालू रेत जंतर पर एक चूनी आग पर सर फिर मैंने इसको पकाया, ये वो पारा है सर। ये सर फास्फोरस का तेल है जो आपने कहा था कुर्स जिस्ट का कुर्स वाला, ये वो तेल है माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ बन गया सर। और फिर मैंने थोड़ा बनाया, एक तोले का बनाया था, कुछ मैंने अपने तजर्बों में इस्तेमाल किया और मज़ीद भी मैंने एक तोला डाल कर रख दिया है सर, ये फास्फोरस का तेल है सर। और ये खून तीरा है सर, देसी अंडों का छलकों का और मीठा सोडा और तेज़ाब फारूकी और आदमी के सर के बाल, ये खून तीरा जो आपने इसका जिक्र किया था सर, ये खून तीरा है। ये सर इसमें 400 ग्राम मोची की डाले हुए और उसमें 5 लीटर जो है ना 5 लीटर, ये बहुत वज़नदार है, 5 लीटर इसमें तेज़ाब फारूकी मैंने बालू रेत जंतर पर बनाया, ये तेल बनकर तेल ही तेल है, ये खुश्क हो नहीं रहा है सर, ये पाउडर नहीं बन रहा है, इसमें 400 ग्राम मोची की और 5 लीटर तेज़ाब फारूकी इसमें डाला हुआ है सर। ये भी सर तांबे का तेल है, तेज़ाब फारूकी उसके साथ मैंने डाल दिया है, ये भी तेल तेल है, तेल है और ये भी खुश्क नहीं हो रहा है सर। और ये सर फास्फोरस है, एक टोला है। और ये नौशद का तेल है, ये थोड़ा गंदरा सा हो गया सर, ये अभी मज़ीद बन रहा है, मैंने इसका जो है ना 1 किलो मज़ीद मैंने नौशद का तेल, वो आस्ता आस्ता तेल बनता जा रहा है, ये 1 किलो मैंने बनाया, उसमें से ऐसा आस्ता निकलता जा रहा है, मैंने ये आपका थोड़ा निकाल दिया है। ये सर नौशद का तेल है, समंदर जग वाला नौशद का तेल है। और ये सर भनावे का तेल है जिनका आपने जिक्र